नमस्कार दोस्तों, आप सबको पता है कि स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पर मारपीट हुई थी। इस घटना को पूरी दुनिया ने देखा है। बहुत ध्यान से सुनिएगा मैं जो कहने वाला हूं, और वोट देने से पहले आप अपने अंतरात्मा की आवाज सुनिएगा। इंडिया गठबंधन के लोग कैसे महिला विरोधी हैं और कैसे स्वाति मालीवाल के साथ हुई घटना पर वो चुप्पी साध रहे हैं, इसके पीछे कैसे पूरी राजनीतिक साजिश बुनी गई, बहुत ध्यान से सुनिएगा। आपको एक एक कहानी बताएंगे, और सबसे दिलचस्प कहानी तो ये है कि अरविंद केजरीवाल स्वाति मालीवाल के हाथों तो पिटे गए, ऐसा भी कहा जा रहा है। ऐसा कहने वाला कौन है, ऐसा किसने ये खबर मीडिया में लीक की है कि स्वाति मालीवाल ने पहले अरविंद केजरीवाल को पीटा और फिर अरविंद केजरीवाल ने अपने गुर्गों से बोलकर स्वाति मालीवाल की पिटाई करवाई, ये भी आपको बताएंगे। बहुत ध्यान से इस वीडियो के आखिर तक बने रहिएगा, क्योंकि इस वीडियो में हम जो फैक्ट बताने वाले हैं वो फैक्ट आपके लिए बहुत जरूरी है। इंडिया गठबंधन के लोग जो बार बार दूसरे दलों पर सवाल उठाते हैं, इंडिया गठबंधन के लोग जो ये दावा करते हैं कि उनकी पार्टी में या उनके गठबंधन में महिलाओं का पूरा सम्मान है, आपको याद ही है ना, जब बीजेपी ने टिकट का बंटवारा किया तब इंडिया गठबंधन के लोग सामने आए थे और कह रहे थे कि महिला आरक्षण का विरोध करने वाली पार्टी है बीजेपी, ये कहने वाले लोग इंडिया गठबंधन के नेता थे। लेकिन बहुत ध्यान से सुनिएगा, सबसे पहले हम इस चर्चा की शुरुआत करें, आपको कुछ इंफॉर्मेशन बताएं, उससे पहले एक तस्वीर दिखाते हैं। ये तस्वीर लखनऊ एयरपोर्ट की है, तस्वीर 24 घंटे के भीतर की बताई जा रही है। इस वक्त जब हम ये वीडियो आपको दिखा रहे हैं उसके 24 घंटे के भीतर ही तस्वीर है, और ये तस्वीर तब की है जब स्वाति मालीवाल के साथ अरविंद केजरीवाल के घर पर मारपीट हुई थी, उसके करीब 24 घंटे बाद की तस्वीर है, और हम जब आपको ये वीडियो दिखा रहे हैं उससे ये 24 घंटे पहले की तस्वीर है। इस तस्वीर में आपको अरविंद केजरीवाल के साथ साथ संजय सिंह नजर आ रहे होंगे। आप देखेंगे तो अरविंद केजरीवाल को सम्मानित किया जा रहा है लखनऊ एयरपोर्ट पर ही, अरविंद केजरीवाल के ठीक बगल में संजय सिंह है, और ये संजय सिंह वही संजय सिंह है जो कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं और स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की घटना पर मीडिया में आए और ये कह रहे थे कि जो हुआ स्वाति मालीवाल के साथ उस पर अरविंद केजरीवाल को खेद है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, कल एक बहुत ही निंदनीय घटना घटित हुई जिसके बारे में आप सबको बताना चाहता हूं। कल सुबह अरविंद केजरीवाल जी के आवास पर स्वाति मालीवाल जी मिलने के लिए पहुंची थी, ड्राइंग रूम में इंतजार कर रही थी। इस बीच विभव कुमार जी वहां पे आते हैं और उन्होंने स्वाति मालीवाल जी के साथ बहुत बदतमीजी की, अभद्रता की। इस पूरे मामले की जानकारी 112 नंबर पे कॉल करके स्वाति मालीवाल जी ने पुलिस को दी। इस घटना की जितनी निंदा की जाए कम है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरी घटना को संज्ञान में लिया है और इस पूरे मामले में सख्त कार्रवाई करने को कहा है। ये जो तीसरा शख्स आप देख रहे हैं, जो आप गोल घेरे में जिस इंसान को आप देख रहे हैं, ये वही इंसान है जिसने स्वाति मालीवाल के साथ मारपीट की थी। इस शख्स का नाम है विभव और ये अरविंद केजरीवाल का सेक्रेटरी है। बहुत ध्यान से सुनिएगा, अरविंद केजरीवाल का सेक्रेटरी है। शराब घोटाला मामले में ईडी ने इस इंसान से पूछताछ भी की थी और अरविंद केजरीवाल के साथ ये इंसान बहुत लंबे वक्त से जुड़ा हुआ है। कब से जुड़ा हुआ है, तो जब इंडिया अगेंस्ट करप्शन नाम की संगठन बनाई गई उस संगठन के दौर में ये एडिटर हुआ करता था और उसी दौरान अरविंद केजरीवाल से इसका संपर्क हुआ। तब से लेकर अरविंद केजरीवाल का ये आदमी काम देखता है। विभव इसका नाम है, जिसके ऊपर मारपीट करने का आरोप लग रहा है स्वाति मालीवाल से। जो मीडिया रिपोर्ट सामने आई उसमें यह कहा जा रहा है कि विभव ने स्वाति मालीवाल और अरविंद केजरीवाल दोनों को मिलने से रोका। अब क्यों रोका, एक सेक्रेटरी की क्या इतनी हैसियत हो सकती है कि एक मुख्यमंत्री किसी को बुला रहा है और मुख्यमंत्री से मिलने से उसे रोक दिया जाए, क्या इतनी हैसियत हो सकती है, आप सोच कर देखिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप अंदाजा लगाकर देखिए कि एक इंसान जो अपनी पार्टी का सर्वे सर्वा है, वो एक मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठा है और उसने अगर किसी को मिलने के लिए बुलाया और अचानक उसके साथ मारपीट हो जाती है। क्यों मारपीट हो जाती है, तो मुख्यमंत्री मिलना नहीं चाहते। स्वाति मालीवाल ने यही तो कहा था कि अरविंद केजरीवाल के कॉल पर ही वो उनके घर गई थी उनसे मुलाकात करने के लिए।
जब अरविंद केजरीवाल खुद बुला रहे तो मारपीट की नौबत क्यों आ गई? स्वाति मालीवाल के साथ धक्का मुक्की, मारपीट, बहसबाजी, ये सब क्यों हुई? ये बच्चों वाला गेम नहीं चल रहा, यही राजनीति है। अरविंद केजरीवाल जो बहुत चालाक बनने की कोशिश कर रहे हैं, यहीं पर उनकी चालाकी पकड़ी जाती है। आप किसी भी मुख्यमंत्री के पास जाएंगे तो एक पूरा प्रोटोकॉल फॉलो किया जाता है, जबकि स्वाति मालीवाल तो आम इंसान है ही नहीं, वो तो राज्यसभा सांसद है और उसी पार्टी से हैं जिस पार्टी के मुखिया हैं अरविंद केजरीवाल, तो उनके साथ मारपीट क्यों हुई? एक नई जानकारी सामने आ रही है, स्वाति मालीवाल जब अरविंद केजरीवाल के घर पर पहुंची तब स्वाति मालीवाल और केजरीवाल में बहसबाजी शुरू हुई, और उसी बहसबाजी के बाद कुछ लोग ऐसा भी दावा कर रहे हैं कि स्वाति मालीवाल के तरफ से सबसे पहला रिएक्शन सामने आया था, वो रिएक्शन मुख्यमंत्री के खिलाफ था, जिसके बाद मुख्यमंत्री ने रिएक्ट किया और मुख्यमंत्री के सेक्रेटरी ने फिर स्वाति मालीवाल की पिटाई कर दी। अब आपको एक ट्वीट दिखाते हैं, ये ट्वीट बहुत ध्यान से देखिएगा, समझिएगा और इसे पढ़िएगा। ये कपिल मिश्रा ने ट्वीट किया है और ये ट्वीट कुछ घंटे पहले हुआ है, 15 मई 2024 को 4:27 शाम में ये ट्वीट हुआ है। वो क्या लिखते हैं? खबर है कि वो सिर्फ पिटी नहीं है, उसने भी पलटकर मुंह पर दो मारे हैं, सबके सामने, पीटने वाले को नहीं, पिटवाने वाले को, पीटने वाले को नहीं, विभव को नहीं, पिटवाने वाले को, अरविंद केजरीवाल को। शीश महल की दीवारों ने उस दिन बहुत कुछ देखा है और बहुत कुछ सुना है। तो क्या ऐसा हुआ कि पहले स्वाति मालीवाल की पिटाई हुई, फिर स्वाति मालीवाल ने अरविंद केजरीवाल पर रिएक्ट किया या उनके ऊपर हाथ छोड़ा है? क्या ऐसा हुआ है? क्या अरविंद केजरीवाल कुछ सच्चाई छिपा रहे हैं, या उस दिन मुख्यमंत्री के आवास पर क्या हुआ, इसका कोई प्रमाण किसी के पास है क्या? चूंकि मुख्यमंत्री के पूरे कैंपस में आप देखेंगे तो सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, और सीसीटीवी कैमरे में उस वक्त घटनास्थल पर क्या हुई होगी, घटना क्या हुई होगी, इसका तो प्रमाण मौजूद ही होगा। कम से कम वही वायरल करते, वही क्लिप आम आदमी पार्टी काट कर वायरल करते, आम आदमी पार्टी तो कर ही सकती है, लेकिन वो भी अभी तक सामने नहीं आया। स्वाति मालीवाल के घर खुद संजय सिंह गए, खुद महिला आयोग की अध्यक्ष गई, दिल्ली महिला आयोग की जो नई अध्यक्ष है वो गई, और दिल्ली महिला आयोग की नई अध्यक्ष और संजय सिंह मिलकर मना नहीं पाए। क्यों मनाने गए थे? अगर मारपीट नहीं हुई तो क्यों मनाने गए थे? वजह थी, उन्हें डर था कि अगर स्वाति मालीवाल ने मुंह खोल दिया पुलिस के सामने तो आपको दिल्ली पुलिस तो पता ही है, फिर तो दिल्ली पुलिस छोड़ेगी नहीं, और अरविंद केजरीवाल वैसे भी दिल्ली पुलिस को बहुत उल्टा सीधा हमेशा बोलते रहते हैं, तो दिल्ली पुलिस उन्हें छोड़ने नहीं वाली थी, और इसी डर से डैमेज कंट्रोल के लिए संजय सिंह और दिल्ली महिला आयोग की अध्यक्ष को भेजा गया। लेकिन स्वाति मालीवाल ने बैरंग लौटा दिया, अपने यहां कोई भाव नहीं दिया, कोई घास नहीं डाला संजय सिंह और दिल्ली महिला आयोग के अध्यक्ष को, जिसके बाद अब यह नौबत आ गई कि दिल्ली पुलिस के अधिकारी, तीन अधिकारी स्वाति मालीवाल का बयान दर्ज करने के लिए उनके घर पर पहुंचे, उनका बयान दर्ज हुआ है, और अब आप जल्द ही देखेंगे कि एक महिला के साथ मारपीट करने के आरोप में अरविंद केजरीवाल के ऊपर कोई नया मामला दर्ज हो सकता है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप। अब दूसरी बात आपको बताते हैं, हमने कुछ देर पहले आपको कहा था कि इंडिया गठबंधन के जो नेता हैं वो महिला सम्मान की बात करते हैं लेकिन सिर्फ कागजों में, ऑनलाइन यानी सोशल मीडिया पर। हकीकत में क्या है? स्वाति मालीवाल के साथ झगड़ा हुआ, मारपीट हुई, स्वाति मालीवाल के साथ कितने लोग खड़े हुए? प्रियंका गांधी ने कहा कि हमें अफसोस है कि उनके साथ मारपीट हुई है, प्रियंका गांधी समर्थन में बोल रही थी। लेकिन जब अरविंद केजरीवाल अपने उसी पीए को लेकर अपने साथ घूमते, जब वही अरविंद केजरीवाल अपने उसी सेक्रेटरी को लेकर लखनऊ जाते हैं, वहां प्रेस कॉन्फ्रेंस, ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठते हैं, तब कहां थी प्रियंका गांधी? तब क्यों नहीं आवाज उठाई प्रियंका गांधी ने? ये तमाम ऐसे सवाल हैं जिस पर पूरी आम आदमी पार्टी घिरी हुई है। स्वाति मालीवाल का जो केस है वो छोटा मोटा केस नहीं है, ये जो झगड़े वाली बात है ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, क्योंकि हमने आपको एक दिन पहले ऐसी भी रिपोर्ट बताई थी जो सोशल मीडिया पर और कई मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आई थी, ये बातें कि स्वाति मालीवाल के साथ झगड़ा क्यों हुआ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के एक सीनियर एडवोकेट को अरविंद केजरीवाल राज्यसभा की सीट गिफ्ट करना चाहते थे, तोहफे में, थाली में परोसकर तोहफा देना चाहते थे। क्यों? क्योंकि सीनियर एडवोकेट साहब ने अरविंद केजरीवाल को जमानत दिलवाई थी, सुप्रीम कोर्ट में उनकी पैरवी की थी, सिर्फ अरविंद केजरीवाल को ही नहीं, संजय सिंह को भी जमानत दिलवाई थी जो सीनियर एडवोकेट साहब थे,
और यही नहीं, मनीष सिसोदिया को जो पैरोल मिला 2 दिनों का, वो भी उनके ही बहस की वजह से मिला था। इसी वजह से उन्हें अरविंद केजरीवाल, कांग्रेस के बहुत सीनियर लीडर हैं, उनके एडवोकेट साहब, उनको थाली में परोसकर गिफ्ट देना चाहते थे कि लीजिए हुजूर, आप राज्यसभा की सीट ले लीजिए। और राज्यसभा की सीट कैसे मिलती? स्वाति मालीवाल सबसे सॉफ्ट टारगेट बनी कि उन्हें जलील किया जाए और स्वाति मालीवाल इस्तीफा दे दे, जिसके बाद स्वाति मालीवाल की कुर्सी खाली होगी और वहां पर उन्हें भेज दिया जाएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। पर्दे के पीछे, यानी कि उस दिन बंद दरवाजे के पीछे क्या क्या हुआ था, इसकी बहुत बड़ी सच्चाई सामने आ सकती है अगर आम आदमी पार्टी के नेता जिस दिन मुंह खोल बैठे, उस दिन अरविंद केजरीवाल, संजय सिंह, बहुत सारे नेताओं की काली सच्चाई बाहर आ सकती है। और यही डर आम आदमी पार्टी को खाई जा रही है। आप इस पूरे मामले में देखेंगे, राघव चड्ढा भी बिल्कुल चुप हैं, संजय सिंह खुलकर कुछ बोल नहीं रहे, क्योंकि कहा जा रहा है कि संजय सिंह खुद स्वाति मालीवाल के प्रति सॉफ्ट कॉर्नर रखते हैं। सॉफ्ट कॉर्नर क्यों रखते हैं? क्योंकि संजय सिंह को डर हो गया है कि स्वाति मालीवाल ने सीट खाली नहीं की तो अगली बारी उनकी होगी, मतलब उनको अपनी कुर्सी खाली करनी पड़ेगी। इसीलिए पूरी आम आदमी पार्टी सिर्फ इस पूरे प्रपंच को देख रही है मौन रूप से, यानी मूक दर्शक बनकर। आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में? क्या आपको भी लगता है कि स्वाति मालीवाल ने भी पलटकर अरविंद केजरीवाल को उस दिन बंद कमरे के पीछे जवाब दिया होगा? कमेंट बॉक्स में बताइए।